पहला सवाल है जुनेद अकरम से। अगर आपको खल्ली वल्ली के अलावा कोई सिग्नेचर लाइन यूज करनी हो तो क्या होगी? कौन सी सिग्नेचर लाइन यूज करेंगे खल्ली वल्ली के अलावा? बिकॉज माई स्टाइल इज वेरी कराचीट, तो मैं फिर अबे निकलना यहां से, अबे चल, अबे चल निकल, अबे चल। हाँ, मे बी दैट। हाँ, बहुत गुस्सा आएगा, चवांट कराएंगे, चवाड़ा है ना, चवांट कराएंगे। आप घास को घास क्यों बोलते हैं? मैं तो नहीं बोलता, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। घास है, घास कोई भी नहीं बोलता। घास नहीं, वो अलग ही ब्रीड है। जैसे जो तू पैदा भी नहीं हुए, सुना, मैं इधर रह रहा था ना। तो घास, हाँ हाँ, चवांट कराएंगे। पराठा सुना है मैंने, पराठा, पराठा। वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आप कभी इंडोर्स नहीं करेंगी और क्यों? बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट जहाँ पे हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड कोई, जहाँ झूठ बोला जाए या गलत किसी चीज़ को प्रमोट किया जाए, फेयरनेस क्रीम्स आप कभी नहीं देखेंगे, या जो मुझे ऑलरेडी पता है। कुछ चीज़ें होती हैं हमारे नॉलेज में नहीं होती, बाद में पता चलती हैं, बट जो मुझे पता है कि हार्मफुल है, नहीं अच्छा लोगों के लिए, तो वो मैं इंडोर्स ही नहीं करेंगी। आप नहीं करूँगा, नहीं किया, ये इंडोर्स नहीं करेंगी किसी चीज़ को। AI, दोबारा सवाल किया जाए जुनेद अकरम से। अगर आप पाकिस्तान की कोई तीन चीजें बदल सकें तो वो क्या होंगी? एक चीज जो मैं चाहूंगा करना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बुद्ध का, हमने कोविड के टाइम में देखा ना, लॉकडाउन, घर से बाहर निकलना डंडा पड़ेगा। बुद्ध का दिन कर दें खवातीन डे, खवातून्स ऑन द स्ट्रीट, मर्द अलाउ ही ना हो, डंडे मारे, सोटियां मारे दूर से, ताकि खवातीन एंजॉय करें ट्रू फ्रीडम, कि हमें कोई देख नहीं रहा, कोई आवाज नहीं कर रहा, कोई गोर नहीं रहा। ग्रेट आइडिया। एंड वंस दे एंजॉय दैट फ्रीडम, फिर उनको अगले बुध का इंतजार होगा, फिर बोलेंगे मैं अगले बुध का क्यों इंतजार करूं, ये रोज होना चाहिए। देन आई एम नॉट सेइंग दे नॉट फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, मगर फिर एक बार जब आप चख लेते हो ना एक चीज, तो फिर आपको और परसूट तेज हो जाता है। कोशिश तो होती है हमारी, हम बड़ा हर चीज ऑल गर्ल्स करना शुरू हो चुके हैं। आप चाह रहे हम जो डंडे खाएं? आप चाह रहे हम सीधे हो जाए ना, डंडे क्यों खाएं? आप आए ना, आप आए ना, आए नहीं तो डंडे नहीं पड़ेंगे। एक चीज ये हो गई, बच्चों पे बड़ा तशद्दुद होता है स्कूल कॉलेजेस में, मदरसों में, इधर उधर। अब बच्चों के मामले में सेफ्टी कोई हमारे यहाँ है ही नहीं, पुलिस वाले से शिकायत कर, पुलिस वाला आगे से डंडा मारता है, तो बच्चों का जो तशद्दुद होता है ये फिर बड़े इसके डेट्रिमेंटल इफेक्ट्स होते हैं आगे। तीसरी चीज भाई, ट्रैफिक, और खास तौर पे कराची का ट्रैफिक। अरे मैं सुबह लाहौर में था, अल्लाह माफ करे, लॉरी तो बस उनको तो ब्रेक ही नहीं दिया अल्लाह ताला ने, घुस ही जाते हैं अंदर, फिर मैं बस एक बार घुस जाऊं रास्ता आप निकल आएगा, तो ट्रैफिक मैंने सीधा करना है, ट्रैफिक सीधा करना है, सभी कर ले बेसिकली। हां यार, यू आर राइट, आई मीन हम औरतों को लेके, बच्चों को लेके यार, बड़े हम सेंसिटिव नहीं है, बिल्कुल क्यों नहीं है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया में भी अभी तक कोशिश नहीं की कि नैरेटिव चेंज करें। हम ये अभी बैक स्टेज बात कर रहे थे कि वही ड्रामों में वही दिखा रहे हैं, तशद्दुद दिखा रहे हैं, वही चीजें दिखा रहे हैं, मासूम दिखा रहे हैं, और हाँ बेचारी, और बेचारी है तो अच्छी है, बेचारी है तो अच्छी, अपने लिए आवाज उठा रही तो बुरी औरत है, यू नो। सो ये सब मांग ले तो बुरी है। हाँ, कुछ मांग ले, अपना हक मांग ले, जो हमारा रिलीजन भी अलाउ करे वो भी मांग ले, तब भी जो है वो हमारा कल्चर उसको मना करता है। तो चीज जो हमें दी वो तो मांग लो, वो सबसे बड़ा जुर्म है। हाँ, और हमारे कल्चर की वजह से साल पहले अगर निकाह को पैगाम भेजवा दे तो वो ठीक है, आज क्यों कह दे निकाह के लिए? भाई कितनी बेशर्म औरत है यार, तुम रिलीजन से ही बाहर निकल। कल्चर को हमने ऐसा बना दिया ना, हमने वैसे मिक्सअप कर दिया है, एक एक मदर टाइप चीज हमने बना लिया आपस में। AI, अगला सवाल किया जाए फाइजा सलीम से। आपके कॉमेडी टूर्स में होने वाला सबसे ऑकवर्ड या फनी इवेंट? कॉमेडी शोज में कभी कभी ना, हमारे यहाँ ये आई से दिस ओपनली, हमारा एक बड़ा मसला है कि जोक जो है वो फिजिकल अपेयरेंस के ऊपर है। अगर किसी को काला बोल दिया, छोटा बोल दिया, मोटा, हाँ हाँ हाँ, फनी, यू नो, ये हमें सबसे पहले चीज़ जब जोक में यही आती है समझ। तो कभी कभी शोज पे ये हो जाता है कि किसी, क्योंकि ऑडियंस बेस्ड शोज होते हैं, इम्प्रोव कॉमेडी करते हैं जिसमें ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऑडियंस कभी कभी स्टेज पे आके हमारे साथ परफॉर्म भी करती है, लेकिन कभी कभी ना कोई डेढ़ होशियार होता है एंड दैट पर्सन विल से समथिंग वेरी ऑफेंसिव, और जो कि हम इस तरह की कॉमेडी नहीं कर रहे होते हैं, छिचोरी किस्म की, बिलो द बेल्ट नहीं करते, वो बिलो द बेल्ट की बात कर देता है और आगे से हम जो उसकी उसको उसकी खुलना मत। लेकिन आपको दोनों ने बहुत अच्छा खेला, आपने सारे सवालों के सही तरह जवाब दिए।